हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज आपके लिए सैटरडे जून 23, 2018 का एडिटोरियल लेके आया हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है। ये साउथ टॉपिक है और फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। तो आप इसकी हेडिंग जैसे देख रहे हैं कि लिखा है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जैसे अगर कोई चीज़ है, आप उसे फ्रीली छोड़ देते हो ऊपर से नीचे, तो उसकी क्या हो जाती है, एकदम से स्पीड बढ़ती है और उसमें जो है गिरावट तेजी से होने लगती है। तो वही है The decrease in value, the fall in value of something, वही यहाँ पे कहा गया है। तो असल में क्या है कि पतन बहुत तेजी से हुआ। तो अब ये किस चीज की बात है, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद फिर आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ये वहाँ का एक प्रेस, एक चैनल है जिसको, जिसकी जो लेवल है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो गिरा के सबसे नीचे कर दिया गया है। और उसकी जो फ्रीडम्स हैं, जो चीज़ NDTV के साथ हुई थी ना, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर समथिंग थोड़ा भी थोड़ा डिफरेंट है। तो आप देखेंगे वो मामला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का था, BJP के और NDTV का था, और यहाँ पर मामला किसका है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का है और तमिलनाडु के ही एक चैनल का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, जो तमिलनाडु सरकार का एटीट्यूड है टुवार्ड्स न्यूज़ मीडिया के प्रति, हैज़ हिट अ न्यू लो। उसने क्या कर दिया है, एक नई मतलब हिट अ न्यू लो का मतलब होता है कि एक नई स्थिति, एक नया लेवल पर हमला किया है। लो या मतलब कहने को पता, एक तरह से लेवल या वैल्यू है ना। तो हिट द लेवल मतलब कहने का कि जो उसका मीडिया का लेवल था, मीडिया का स्तर था, उस पर अच्छा वार किया है, उस पर प्रहार किया है, मीन्स कहने का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मीडिया मतलब माध्यम नहीं है, यहाँ पर मीडिया मतलब प्रेस की बात हो रही है। ठीक है, एनी विच वे, हर वो तरीका, वन लुक्स एट द पुथिया थलाई मुरई केस, हर वह रास्ता या हर वह नजरिया जिसके माध्यम से, जिस तरह से पुथिया थलाई मुरई को कोई व्यक्ति देख सकता है, वन क्लूजन इज इनएस्केपेबल, उसमें से उन्हें एक, उस व्यक्ति को एक ही निष्कर्ष निकल के आएगा, वो क्या है, कंक्लूजन इज इनएस्केपेबल। और वो कंक्लूजन क्या है, इनएस्केपेबल मतलब अनअवॉइडेबल, उससे तो वो बच ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहे जिस नजरिए से पुथिया थलाई मुरई केस को देखे, लेकिन वो एक कंक्लूजन से कभी नहीं बच सकता, एक निष्कर्ष से कभी नहीं बच सकता। वो निष्कर्ष क्या है, इट इज ए डायरेक्ट अटैक, ये सीधा सीधा आक्रमण है, सीधा सीधा हमला है ऑन प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता पर। ये तो सीधा सीधा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, ये निष्कर्ष तो 100% निकल के ही आता है। यहाँ पर जो ग्रामर पॉइंट आपके लिए है, अटैक ऑन समथिंग, अटैक आपका नाउन है, और यहाँ पर नाउन के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव है, डायरेक्टली नहीं कर दिया, डायरेक्टली अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम, इट इज ए डायरेक्टली अटैक, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, डायरेक्ट की जगह कई बार डायरेक्टली दे देता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव, और डायरेक्टली आपका वो है एडवर्ब है। यहाँ पर अटैक आपका नाउन है, तो नाउन के पहले क्या है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव होता तो उसके पहले आने वाला शब्द एडवर्ब होता। तो यहाँ नाउन अटैक है, तो अटैक के लिए जो, जब नाउन होता है तो उसके लिए जो आपकी प्रीपोजिशन होती है ऑन होती है, अटैक ऑन समथिंग। लेकिन अगर अटैक वर्ब होगा तो अटैक समझ, जैसे कि द लॉयन अटैक्ड राम, लॉयन ने राम पे अटैक किया, तो अटैक राम है ना, तो अटैक ऑन राम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन द अटैक वाज मेड, आखिर हमला किया गया, तो अटैक भी यहाँ पर नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ऑन प्रीपोजिशन आता है। तो वही कह रहे हैं कि दिस वाज ए, इट इज ए डायरेक्ट अटैक, ये सीधा सीधा हमला है, कहाँ पर, ऑन द प्रेस फ्रीडम मतलब प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता पर। दैट, यह बात कि दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो तमिलनाडु सरकार है, कुड हैव स्लैब्ड, उसने स्लैब्ड अ केस, स्लैब अ केस मतलब एक केस दर्ज करा दिया। मैं कल आपने क्या स्लैब द एलिगेशंस इस तरह आया था, तो स्लैब मतलब होता है लगा देना, इम्पोज द, जैसे कि आपने कोई चार्ज लगा दिया, इम्पोज द चार्ज, स्लैब द चार्जेस, वही हाल है कि स्लैब द केस का, स्लैब अ केस का मतलब हो गया एक मामला दर्ज करा दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक मामला दर्ज करा दिया अगेंस्ट तमिल न्यूज चैनल के खिलाफ, अंडर सेक्शन 153A 153A के तहत ऑफ इंडियन पेनल कोड, मतलब IPC की धारा 153A के तहत तमिल न्यूज चैनल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने एक मामला दर्ज करा दिया। और ये IPC क्या है, पर्टेनिंग मतलब सेक्शन 153 ऑफ IPC क्या होती है, पर्टेनिंग टू प्रमोटिंग इनमिटी
बिटवीन ग्रुप्स, इसकी ये इस धारा से मतलब होता है, ये संबंधित होती है, पर्टेनिंग टू होती है, संबंधित होती है प्रोमोटिंग इनिमिटी, इनिमिटी मतलब होता है हॉस्टैलिटी, शत्रुता, शत्रुता को बढ़ावा देना बिटवीन ग्रुप्स मतलब समूहों, समूहों में अगर दो समूहों के बीच में या दो से ज्यादा समूहों के बीच में अगर आप शत्रुता को बढ़ावा देते हैं, हॉस्टैलिटी बढ़ाते हैं, तो इससे संबंधित जो आईपीसी की धारा होती है वो होती है सेक्शन 153, उसके तहत अंडर दिस सेक्शन 153 तमिल न्यूज चैनल को के ऊपर क्या है, कैश स्लैब कर दिए गए कि मामले दर्ज करा दिए गए, किसके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के बाद द्वारा, यह बात एंड अदर सेक्शन, और क्या है अदर सेक्शन ऑफ लॉ और अन्य सेक्शन लॉ के अन्य सेक्शन के तहत भी दर्ज कराया गया, ठीक है। तो ये जो बात है मतलब तमिलनाडु का दर्ज कराना, दैट वुड बी लाफेबल, ये अब ये दैट के लिए आया है, ये वुड बी, दैट वुड बी लाफेबल, यह बात क्या है, हंसने वाली है, इफ यदि इट वॉज नॉट सो अनस्पीकिंगली अपेलिंग, मतलब कहने का इट वॉज नॉट सो अनस्पीकेबली, अनस्पीकेबली मतलब कहने का अगर कहा ना जाए तो इट वॉज नॉट अपेलिंग, अगर यह शॉकिंग नहीं है, पहली बात तो ये शॉकिंग बात है, लेकिन अगर ये हम कहें कि शॉकिंग नहीं है तो आम है, तो सीधी सी बात है कि ये फिर हंसने वाली बात होगी, और बात कौन सी कि तमिलनाडु सरकार ने न्यूज चैनल, तमिल न्यूज चैनल के ऊपर अंडर सेक्शन 153 ऑफ इंडियन आईपीसी एंड अदर सेक्शन ऑफ लॉज के तहत एक मामला दर्ज करा दिया, ठीक है, मीडिया के ऊपर। आगे पढ़ते हैं, द कॉज फॉर द एक्शन, इस एक्शन का जो कारण है, वाज सर्टेन रिमार्क्स, ये कुछ टिप्पणियां हैं मेड बाय अ कपल ऑफ टीवी चैनल गेस्ट, कुछ टीवी चैनल के गेस्ट के द्वारा जो की गई थी, हु हैड पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन ए राउंड टेबल डिस्कशन, मतलब एक गोलमेज परिचर्चा में, ऑन करंट अफेयर्स मतलब वर्तमान जो मामले चल रहे हैं उन पर, बिफोर एन इनवाइटेड ऑडियंस मतलब एक आमंत्रित ऑडियंस के सामने, मतलब कहने का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा मतलब क्या है, कॉज फॉर द एक्शन, इस एक्शन का जो कारण था, वाज क्या था, सर्टेन रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स, कुछ टिप्पणियां की गई थी, देखिए तो काज का हेल्पिंग वर्ब क्या आया, वाज आया, ठीक है। तो यहाँ काज पहला प्रीपोजिशन फॉर, तो पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन काज, ये वर्ब डिसाइड करेगा, तो काज वाज, काज क्या था, काज वाज सर्टेन रिमार्क्स, और काज किसका, फॉर का एक्शन, कार्यवाही का जो कारण था, कारण क्या था, कुछ रिमार्क्स थे। अब रिमार्क्स कैसे, तो फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म से इन्होंने जोड़ करके एडजेक्टिव फ्रेज डाल दिया, वे रिमार्क्स थे मेड बाय अ कपल ऑफ टीवी चैनल गेस्ट्स, जो कि कपल ऑफ मतलब कुछ टीवी चैनल के मेहमानों के द्वारा किए गए थे। अब वो मेहमान कैसे थे, इन्होंने फिर से हु हैड मतलब कहने का एडजेक्टिव क्लॉज डाल दिया है, डेफिनेटिव क्लॉज है, ये डिफाइन कर रहा है इसे, हु हैड पार्टिसिपेटेड इन ए राउंड टेबल डिस्कशन, वो गेस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी की थी इन राउंड टेबल डिस्कशन मतलब गोलमेज परिचर्चा में, और कहां, ऑन किस मुद्दे पर, ऑन करंट अफेयर्स के मुद्दे पर, बिफोर एन इनवाइटेड ऑडियंस, किसके सामने मतलब किसके समक्ष, जो आमंत्रित किए गए गेस्ट से कुछ ऑडियंस थी उनके सामने, मतलब कहने का कि जिसका इसका जो कारण था वो कपल ऑफ गेस्ट के द्वारा किए गए कुछ रिमार्क थे, जिन्होंने एक गोलमेज परिचर्चा में भाग लिया था और करंट अफेयर्स के मुद्दों पर बात की थी इनवाइटेड ऑडियंस के सामने, आमंत्रित ऑडियंस पब्लिक के सामने, ठीक है। ये तो आपका मीनिंग हो गया। अब इसके ग्रामर पॉइंट्स आप देखेंगे, ग्रामर पॉइंट्स में आपको यहाँ पर जो देखना है वो है आपका डिस्कशन ऑन समथिंग, किसी चीज पर परिचर्चा, डिस्कस्ड द मैटर होता है, जब किसी मैटर को डिस्कस करते हो डायरेक्ट डिस्कस के बाद मैटर आता है, या फिर जिसको आप डिस्कस कर रहे हो वो आता है, लेकिन अब जिस चीज पर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो डिस्कशन जब नाउन हो जाता है, डिस्कस की जगह डिस्कशन हो जाएगा, नाउन के रूप में आएगा, तो मतलब डिस्कशन हो जाएगा मतलब नाउन के रूप में आएगा, ये तो ऑन प्रीपोजिशन देता है, अगर वर्ब के रूप में आता है तो बिना प्रीपोजिशन के डायरेक्ट जुड़ता है ना, डिस्कस्ड द करंट अफेयर होगा, लेकिन अगर हम कहें डिस्कशन तो डिस्कशन ऑन करंट अफेयर होगा, ठीक है। आप किसी के सामने कोई बात करते हो तो बिफोर आता है, जैसे कि द थीफ वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, जज के समक्ष मतलब कहने का चोर को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा नहीं लिखेंगे आप कि द थीफ वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ जज, इन फ्रंट ऑफ जज नहीं लिखा जाता, बिफोर लिखा जाता है। तो वही चीजें ये अभिनय कहाँ कर रहे थे, ये जो बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे पब्लिक के सामने, तो बिफोर द इनवाइटेड ऑफ ऑडियंस, ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, है ना, ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, और खासकर जज वगैरह के मामले में बहुत आता है, जब किसी के सामने आपको प्रस्तुत किया जाता है तो बिफोर प्रीपोजिशन मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली, ऑडियंस की स्पेलिंग आप याद देख लीजिएगा, ठीक है, ऑडियंस की स्पेलिंग INCE। आगे पढ़ते हैं, ऑल्दो यद्यपि इट वाज ए राइट विंग सेक्शन, ये एक राइट विंग सेक्शन था,
ऑफ एन ऑडियंस, ऑडियंस का दैट वाज डिसरप्टिव, जो बाधाकारी था, जो बाधा पहुंचा रहा था। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वर फाइल्ड, मतलब FIR दर्ज कर ली गई थी अगेंस्ट द टू गेस्ट, दो गेस्ट के खिलाफ, हु जिन्होंने फ्रॉम ऑल अकाउंट्स हर तरह से सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा था, दैट वाज इन्फ्लामेटरी, जो कि भड़काऊ हो, एज वेल एज, उसके साथ साथ द रिपोर्टर्स, रिपोर्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, एंड मैनेजमेंट ऑफ पुथिया थलमुरई, और मतलब जो पुथिया थलमुरई चैनल है उसके क्या मैनेजमेंट, जो प्रबंधक है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कहने का ये है कि यद्यपि ये राइट विंग सेक्शन था, सही वर्ग था ऑडियंस का, दैट वाज मतलब कहने का राइट विंग सेक्शन था, एक अलग मतलब कहने का वर्ग था, जो कि वाज डिसरप्टिव, जो कि बाधाकारी, मतलब कहने का कि बाधा पहुंचा रहा था, लेकिन FIR दर्ज कर ली गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वर फाइल अगेंस्ट टू गेस्ट, दो गेस्ट के खिलाफ FIR दर्ज की गई, हु जो कि थे कौन, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, ये एडवर्ब इन्होंने डाल दिया है, फॉर ऑल अकाउंट्स का मतलब हर तरह से, सेड नथिंग, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, हु और फिर कॉमा से कॉमा हटाया, इन्फॉर्मेशन डाला, हर प्रकार से एडवर्ब डाल दिया, इसको हटा दीजिए, हु सेड नथिंग, जिन्होंने कुछ नहीं कहा था, दैट वाज इन्फ्लामेटरी, जो कि इन्फ्लामेटरी हो, ठीक है। वाज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया, ये क्या है, दैट दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला एंटीसीडेंट जो होता है, तो ये आपको क्या, ये डिसाइड करता है यहाँ पर कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, नथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनके साथ क्या आते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए नथिंग मतलब यहाँ पर दैट वाज इन्फ्लामेटरी, जो कि भड़काऊ, इन्फ्लामेटरी जिसको सुनने से लोग भड़क जाए, है ना, काजिंग मतलब कहने का प्रिवेंशन और प्रोवोकेशन टाइप का, तो वो अब क्या होता है, इन्फ्लामेटरी होता है, भड़काऊ, तो मतलब कहने का ऐसा कुछ भी इन्होंने कहा था जो कि भड़काऊ हो, एज वेल एज इनके साथ साथ दो गेस्ट के साथ और कौन कौन किया गया, एज वेल एज इनके साथ साथ रिपोर्टर और मैनेजमेंट ऑफ पुथिया थलीमुरई, ये भी गिरफ्तार किए गए, मतलब कहने का इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई, सॉरी गिरफ्तार नहीं हुए, FIR दर्ज हुई। ऑल द मोर शॉकिंग इज द फैक्ट, और इन सभी बातों में जो द मोर शॉकिंग इज, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, इज द फैक्ट, वो ये सच्चाई है, दैट की दिस वाज डन, की ये काम किया गया, इवन बिफोर द राउंड टेबल डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ प्रोटेस्ट वाज एयर्ड, मतलब दिस वाज डन इवन बिफोर द राउंड टेबल डिस्कशन, गोल मेज परिचर्चा के सामने ये काम किया गया, समक्ष काम किया गया, ऑन द रोल, जो कि इस योगदान से की गई थी, ऑन द रोल, इस रूप से की गई थी, ऑफ प्रोटेस्ट वाज एयर्ड, मतलब कहने का डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ प्रोटेस्ट वाज एयर्ड, जब मतलब रोल ऑफ प्रोटेस्ट मतलब जो प्रदर्शन होते हैं, इस पर परिचर्चा को एयर्ड मतलब प्रसारित किया जा रहा था, फैला एक्सप्रेस किया जा रहा था, व्यक्त किया जा रहा था, इस पर जो परिचर्चा हो रही थी राउंड टेबल में, इसके समक्ष ये काम किया गया, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग मतलब शॉक करने वाली बात थी, ठीक है। एनी डिबेट, कोई भी परिचर्चा इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ऑन वेदर, किस मुद्दे पर, देखिए डिबेट ऑन समथिंग, ये तो इन तमिलनाडु जो प्लेस एडवर्ब डाल दिया इन्होंने, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, तो एनी डिबेट ऑन, किसी भी कोई भी परिचर्चा ऑन किस चीज पर, वेदर, कि क्या प्रोटेस्ट, इस प्रकार के जो प्रदर्शन है, सच एज प्रोटेक्टेड एंड हीटेड एंटी स्लाइड एजिटेशन, प्रोटेक्टेड मतलब लंबे समय से चल रहे, एंड हीटेड बहुत ही गर्माए हुए, मतलब बहुत ही उग्र, एंटी स्टेरिलाइट एजिटेशन, स्टेरिलाइट कैपिटल है ये, स्टेरिलाइट मूवमेंट, मैंने एक बार एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें आपको पढ़ाया गया था, ये कॉपर स्टेरिलाइट की कंपनी है और एक फर्म थी, और उसको क्या था कि काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तमिलनाडु वगैरह में कि उसको बंद कर दिया जाए, उसको सील कर दिया जाए, फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑर्डर्स भी दे दिया और फाइनली उसे बंद कर दिया गया, फिर लोगों की मांग हुई कि परमानेंट रूप से उसे बंद कर दिया, तो वही कॉपर स्टेरिलाइट कंपनी का ही एजिटेशन की बात हो रही है, कि एंटी स्टेरिलाइट एजिटेशन, जो लंबे समय से चल रहा गर्माया हुआ एंटी स्टेरिलाइट एजिटेशन है, इस प्रकार के प्रोटेस्ट आर पॉलिटिसाइज्ड, इन्हें राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इज यह बात जो है, इस प्रकार के किसी भी मुद्दे पर जो परिचर्चा है, इज बाउंड टू, ये बंधी हुई है या सीमित है, टू इवोक रेडिकली डाइवर्जेंट व्यू, मतलब कहने का उग्र करने के लिए, निकालने के लिए, रेडिकली मतलब कहने का कट्टरवादी पंथी टाइप के, या फिर कंप्लीट पूरी तरह से डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दृष्टिकोण वाले व्यूज दिखाने के लिए, मतलब कहने का कि तमिलनाडु में इस प्रकार की कोई भी चर्चा, चर्चा किस चीज पर, चर्चा है ऐसे प्रदर्शन पर जो कि मतलब लंबे से चल रहे, लंबे समय से चल रहे विवादों को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, इस प्रकार के मुद्दों पर कोई भी परिचर्चा जो है वो क्या है, ये बिल्कुल डाइवर्जेंट व्यूज को उग्र कर देती है और कुछ नहीं करती, इज बाउंड टू, वो सिर्फ सीमित कहाँ तक है,
डाइवर्जेंट व्यूज को पैदा करने तक, इवोक रेडिकली डाइवर्जेंट व्यूज मतलब कंप्लीटली अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण को पैदा करने में, उग्र करने में ही बस लगी हुई है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया। आगे देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ लेते हैं। बट लेकिन इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। यह अविश्वसनीय है दैट कि पीपल हैव बीन बुक्ड, कि लोगों को बुक किया गया है मतलब उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फॉर किसके लिए? आइदर होस्टिंग सच ए डिबेट, इस प्रकार की परिचर्चा को आयोजित करने के लिए, और मेनली या केवल एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज इन इट, इस पे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए। मतलब सबसे ज्यादा अविश्वसनीय बात जो है, असाधारण बात जो है, वो ये है कि लोगों को जो बुक किया गया है, यह तो परिचर्च भाई रिपोर्टर्स को भी बुक कर लिया गया, गेस्ट को भी कर लिया गया है ना, और जो आपका पुतिया थलीमुलाई जो चैनल के मैनेजमेंट है उसको भी गिरफ्तार, मतलब कहने का उसको भी बुक कर लिया गया, मीन्स कहने का उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई। तो इसका आखिर इन लोगों का पर्पज क्या था? इन लोगों का पर्पज था कि ऐसे लोगों को बुक किया है इन्होंने फॉर आदर होस्टिंग अ डिबेट, या तो जिन्होंने परिचर्चा को आयोजित किया है, या फिर केवल जिन्होंने अपने व्यूज को व्यक्त किया है उन गेस्ट्स के खिलाफ FIR हुई है ना। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर जो ग्रामर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फॉर आइदर होस्टिंग सच ए डिबेट और मेयरली एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, आइदर के बाद और आया ना, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़नी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जुड़नी चाहिए। तो हॉस्टिंग यहाँ पर आया, तो मेयरली एक्सप्रेसिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की एनजी फॉर्म यहाँ पर भी आ गया। आप सोचेंगे मेयरली क्यों आया? तो मेयरली जब यहाँ पर फोकस एडवर्ब है, केवल मतलब व्यक्त करने के लिए, तो व्यक्त करने के लिए जब फोकस आपको करना है तो फिक्स फोकस किस पे करेंगे? मेयरली पे ही करेंगे ना। तो यहाँ पर अगर नाउन आया तो आगे भी जस्ट नाउन ही आ रहा है, लेकिन फोकस एडवर्ब डाल सकते हैं क्योंकि आपको इस पर फोकस करना है ना, किसी चीज को और ज्यादा एग्जाम्पलीफाई करना है और ज्यादा मतलब उभर के सामने लाना है, तो उसके लिए फिर आपको फोकस एडवर्ब डालना है, तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो दिखाने वाली चीज वो ये है कि मतलब कहने का आइदर हॉस्टिंग या लिखा, अगर यहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है थर्ड फॉर्म हो जाता तो गलत हो जाता, यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म डाला, यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म डाला, ये चीज आपके लिए सीखने वाले थी। ठीक है, पीपल हैव बुक्ड फॉर, लोग किस लिए बुक किए गए हैं? आइदर हॉस्टिंग सच ए डिबेट, इस प्रकार की डिबेट को या तो आयोजित कराने के लिए, या फिर केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, केवल अपने विचारों को। तो मेयरली आया, फोकस एडवर्ब तीन होते हैं, जस्ट मेयरली Only, है ना, तो इनको आप क्या फोकस एडवर्ब जहां भी आते हैं फोकस करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। इफ प्रूफ वाज नीडेड, यदि सत्य मतलब सबूत की आवश्यकता थी दैट कि तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज एक्टिंग, की तमिलनाडु की सरकार कार्य कर रही है इन ए विंडिक्टिव वे, मतलब एक बदले पूर्ण तरीके से, बदले की भावना के साथ तमिलनाडु सरकार काम कर रही है। इट वाज प्रोवाइडेड बाय, तो ये उपलब्ध करा दिया गया होता By another, किसी और के द्वारा, एंड इवन मोर insidious, और भी ज्यादा insidious मतलब हानिकारक, अटेम्प्ट माने प्रयास, टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट मतलब कहने का डराना और धमकाना, धमकाने के लिए पुथिया एंड थलीमुराई को, मतलब कहने का अगर सबूत ये है कि तमिलनाडु मतलब कहने का कि इफ प्रूव वाज नीडेड, अगर इस बात का सबूत चाहिए कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बदले की भावना के साथ काम कर रही है, तो ये तो क्या ऑन अदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतलब प्रदान किया जाता था। इवन मोर इनसाइडियस, जो कि है क्या, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, अटेम्प्ट जिसका प्रयास क्या है, तो इंटीमिडिएट पुथिया थलीमुराई, मतलब कहने का पुथिया थलीमुराई को डराना और धमकाना। ऑन द गवर्नमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब गवर्नमेंट द्वारा संचालित डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, द कराशू आशु, क्या नाम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, द आराशु केबल टीवी कॉर्पोरेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है स्टेट गवर्नमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आराशु केबल टीवी कॉर्पोरेशन, उसमें क्या है, द न्यूज चैनल वाज, न्यूज चैनल कौन सा, जो वही पुथिया थलीमुराई है, वाज सडनली पुश्ड, उसको अचानक से पुश्ड फ्रॉम 124th, जिसकी 124th पोजिशन थी, टू द 499th स्लॉट, उसे 499वें स्थान पर एकदम से धकेल दिया गया। मतलब कहने का जो 124th पोजीशन पे आता था, 1499 पोजीशन पे आने लगा है। आराशु केबल कॉर्पोरेशन कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो सारे न्यूज चैनल को रखा जाता है, तो 124th क्या है, प्लेस में से रखा गया है, रखा गया था पहले, अब 499th स्लॉट पर रखा गया है। रिमूव्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर इसे हटा ही दिया गया है फ्रॉम द तमिल क्लस्टर ऑफ चैनल्स, तमिल के जितने भी क्लस्टर ऑफ चैनल्स हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं, उनसे उनमें से कुछ स्थानों पर तो यहाँ पर इसे हटा ही दिया गया है, एंड रीग्रुप्ड
और इसे रिग्रुप किया गया है विच दोज उन लोग उनके साथ इन अदर लैंग्वेज जो कि अन्य भाषाओं में है। राइट, ये होता है कि तमिलनाडु के तमिल के चैनल एक साथ आए तो इसे क्या किया गया कि वहां से तो हटा करके अन्य भाषाओं के जो चैनल है वहां उनके बीच में डाल दिया गया है। तो भाई लोगों का देखना वहां कम हो जाएगा, व्यूअर्स उसके कम हो जाएंगे, है ना। जो भाई करेंटली जो चैनल सामने पड़ता है अगर उसमें सही न्यूज आ रही है तो क्यों लोग दूसरे को देखेंगे, तो ये चीज हो जाती है। एज फॉर दोज, जब बात होती है दो सब्सक्राइबर उन सब्सक्राइबर्स की हु आर लिंक्ड टू अरासू जो कि अरासू के द्वारा जुड़े हैं और वी आर एनालॉग या फिर इससे संबंधित और किसी चीज से और किसी चैनल से जुड़े हैं, द चैनल हैज बिकम सिंपली अनअवेलेबल। तो जो ये चैनल होगा वो साधारणतया अनअवेलेबल अनुपलब्ध होगा इन मैनी एरियाज कई जगहों पर। मतलब कहने का जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, मतलब ये कहने का मतलब आपका ये चैनल हो गया पुथिया थलीमुरई और एक चैनल हो गया अरासू और भी इस तरह के तमिल चैनल है, तो जो इन दोनों से जुड़े हुए हैं तो पुथिया थलीमुरई से मान लो कि सपोज करो कि वहां से हटा दिया उसको ये नहीं मिल रहा है, तो अरासू से और एनालॉग इससे संबंधित और भी जो चैनल हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट करके मतलब कहने का लोग उन्हें देखने लगेंगे ज्यादातर। तो होगा क्या, इससे अराउंड 60% ऑफ द 1.5 करोड़ होम्स दैट हैव केबल टेलीविजन आर सर्विस्ड बाय अरासू। अक्सर में होता कि यहाँ पर है क्या हकीकत कि 60% लोग जो हैं 1.5 करोड़ घरों के 1.5 करोड़ घरों के जो लगभग 60% लोग हैं दैट हैव जिनके पास केबल टेलीविजन है आर सर्विस्ड उनको सर्विस दी जाती है बाय अरासू मतलब अरासू के द्वारा। विच वाज सेट अप जो कि स्थापित किया गया था टू लिंक होम्स मतलब घरों को जोड़ने के लिए टू टेलीविजन टेलीविजन के माध्यम से थ्रू मल्टी सिस्टम ऑपरेटर बहु प्रणाली युक्त ऑपरेटर्स के द्वारा एंड लोकल केबल ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स के द्वारा एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट मतलब एक वहनीय कॉस्ट पर मतलब कहने का ठीक है। एज अरासू हैज ग्रोन इन इन्फ्लुएंस चूंकि अरासू अब प्रभाव में आ गया है तो प्राइवेट प्लेयर्स नो लॉन्गर इंजॉय द पैट्रोनेज, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स जो प्राइवेट चैनल्स हैं अब उनको क्या होगा नो लॉन्गर इंजॉय अब वो ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे मजा नहीं कर पाएंगे द पैट्रोनेज माने सपोर्ट का दैट दे हैड डिड एलडी जो कि उन्हें पहले मिलता था उस सपोर्ट जो समर्थन मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से अब उसका वो ज्यादा इंजॉयमेंट या ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि अरासू खुद ही गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है और दूसरी बात है कि अब ये इन्फ्लुएंस में भी है ना। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली इन अ रिसेंट पास्ट ठीक है। हाल ही में देयर हैव बीन अप्रीहेंशंस अप्रीहेंशंस मतलब ये डर या चिंताएं आ गई अब समझ में आ रही है दैट की स्टेट गवर्नमेंट इज यूजिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है इज यूजिंग प्रयोग कर रही है इट्स डोमिनेशन मतलब अपनी शक्ति का ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस मतलब स्थान को बांटने के टू ब्रिंग न्यूज कवरेज ताकि जिससे कि न्यूज कवरेज को लाया जा सके बाय टीवी चैनल्स के द्वारा इन लाइन माने जो कतार में है मतलब कहने का अब जो गवर्नमेंट है अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है टीवी चैनल्स के लिए स्पेस बांटने में कि इतनी जगह यहाँ पर ये वाला चैनल सप्लाई करेंगे ये न्यूज और यहाँ पर ये वाला चैनल चलेगा इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इसलिए टू ब्रिंग न्यूज कवरेज बाय टीवी चैनल्स इन लाइन ताकि न्यूज कवरेज जो है टीवी चैनल्स के द्वारा एक जगह जगह पर हर जगह मिल सके ठीक है। देयर हैव बीन एलिगेशंस एलिगेशन माने होता है आरोप प्रत्यारोप ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आरोप ऐसे भी हैं दैट की एक्सेस टू अ कपल ऑफ अदर न्यूज चैनल्स कुछ अन्य न्यूज चैनल्स तक अगर पहुंच बनानी है वेयर डिसरप्टेड तो वो बाध्यकारी है एज वेल एज भी मतलब कहने का ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ अगर कोई अन्य चैनल देखना चाहता है तो वो भी बाध्यकारी है नहीं देखने दिया जा रहा है नहीं सप्लाई की जा रही है उसकी ऑपरेटिव सिस्टम मतलब कहने का। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके ध्यान देने लायक है वो एक्सेस टू समथिंग किसी चीज तक पहुंच एक्सेस क्या है नाउन है और इसका प्रीपोजिशन क्या है टू है ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। सम हैव फाउंड कुछ लोगों ने ये भी पाया है themselves खुद में some have found themselves pushed back in the slot allotted by the Arasu network मतलब कुछ ने क्या किया है कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने पाया है अपने आप को pushed back पीछे in the slot मतलब स्थान से उस स्थान से पीछे पाया है जो कि allotted by the Arasu network जो कि Arasu network के द्वारा पहले से allot किया गया था निर्धारित किया गया था। आगे हम पढ़ लेते हैं इसको। this is why यही कारण है कि many in the media मीडिया में बहुत सारे जो हैं have been led to believe अब वो विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए हैं that कि the rational माने होता है logical reason जो reason है और purpose जो उद्देश्य है for coming down on पुथिया थलीमुरई को
कमिंग डाउन, कम डाउन ऑन समबडी होता है, मतलब क्रिटिसाइज समबडी, पुथे थली मुराई की आलोचना करने का जो मुख्य पर्पज, उद्देश्य या फिर कारण है, विथ सच अ हैवी हैंड, इतनी भारी भरकम कड़ाइयों के साथ, इज, वो है क्या, टू सेंड अ लार्ज, सेंड अ लार्ज मैसेज, एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश भेजना टू द रेस्ट ऑफ द मीडिया, मतलब बाकी बचे हुए मीडिया को, मतलब आखिर इतना ज्यादा हैवी हैंड, इतने स्ट्रांग रिस्ट्रिक्शन और इतनी सारी एक्शंस लिए जा रहे हैं पुथे थली मुराई पर, तो इसका साफ साफ क्या है रीजन, इसका साफ साफ संकेत यही मिलता है, एक लार्ज मैसेज जाता है कि बाकी मीडिया भी मतलब समझ ले इसी से कि उसके साथ क्या हो सकता है। द ओनली वे, एकमात्र रास्ता, द तमिलनाडु गवर्नमेंट कैन प्रूव, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट कैन प्रूव, जो मतलब कहने का साबित कर सकती है, दे आर रॉन्ग, कि वो गलत हैं, इज, वो क्या है, बाय विथड्रॉइंग द एफ आई आर रजिस्टर्ड इन दिस केस, इस मामले में जो एफ आई आर दर्ज कराई गई है, अगर वो उसकी उसको वापस लेती है, केवल तभी साबित हो सकता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट उसने गलत किया, बाकी और कोई तरीका नहीं, मतलब इतना ज्यादा हाई हैंडेडनेस, बताइए प्रेस ऑफ फ्रीडम की पूरी वाट लगाते रखती है ना। तो ये था तमिलनाडु में आप जो देख रहे हैं, जो एनडीटीवी के साथ हुआ था एक दिन के लिए, जैसे उसे बंद कर दिया गया था, और भी कई सारी पाबंदी उस पर लगा दी गई थी ताकि मीडिया कंट्रोल में रहे, और आज है क्या, हकीकत में भी मीडिया भी वही बोल रहा है, वही दिखाता है जो कि गवर्नमेंट चाहती है। तो यही चीज जो है तमिलनाडु में आपकी हो रही है, तो उससे आप वाकिफ हो पाए आज। अब कुछ चीजें हैं जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो कि आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इसलिए मैंने इन्हें कलेक्ट किया है। फ्री फॉल, पहले तो हेडिंग ही हो गई, फ्री फॉल को आप समझ लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, अचानक से किसी के महत्व या किसी की वैल्यू में गिरावट हो जाए, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसे कि गिराए मतलब रोका ना जा सके। तो ये सडन फॉल हुआ क्या है, ये पुथिया थली मुराई चैनल के प्रोडक्शन या फिर उसके इंक्रीज डेवलपमेंट में हुआ है ये सडन फ्री फॉल, ठीक है। इनएस्केपेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे कि टाला ही नहीं जा सकता, जिससे बचा ही नहीं सकता, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, जिससे इसके बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अटैक ऑन समथिंग, यहाँ पर एन नाउन, एन फॉर नाउन दिया गया है, तो ये क्या है, नाउन को अटैक क्या है, नाउन है। देखिए एक सजेशन आया था कि आप नाउन लिखे, चलिए ठीक है नाउन वर्ब हमने लिख दिया, लेकिन अब हिंदी वर्ड मीनिंग लिखने का रीजन है, ठीक है, वो रीजन क्या है आप जान लीजिए, आपको भी पसंद आएगा कि हिंदी मीनिंग क्यों नहीं लिखा जाता। हिंदी मीनिंग पहली बात तो मैं बता देता हूं, तो इससे भी एक ये होता है कि चलो आप अपने दिमाग में जोर डालोगे और कोशिश करोगे उसे याद करने की, अगर लिखा हुआ है तो आप बाद में भी पढ़ लोगे या मेरे साथ साथ नहीं पढ़ पाओगे, तो आपकी स्पीड भी अगर कम है तो वो भी तेज जाएगी, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो बड़ा है कि एक वर्ड की हिंदी मीनिंग हम उसको सीमित कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में है कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, और जहां जहां उसका कॉन्टेक्स्ट जिस हिसाब से होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेज का, आर ए आई एस ई, रेज, रेज माने पालन पोषण करना भी होता है, रेज माने पैसा बढ़ाना भी होता है, रेज द मनी पैसा कमाना हो गया, ठीक है, रेज द चाइल्ड बच्चे को पालन पोषण करना हो गया, ठीक है, रेज अ क्वेश्चन प्रश्न पूछना भी होता है। तो बताइए प्रश्न पूछना का हम कहें, रेज माने पूछना कहें, या रेज माने बढ़ना कहें, या रेज माने पालन पोषण करना, और भी दो चार मीनिंग है, इतने सारे मीनिंग है, बताइए हम एक लिखते हैं तो हमने उस वर्ड को सीमित कर दिया ना, इसलिए हम इंग्लिश मीनिंग केवल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, और बाकी जो है उसके मीनिंग्स पर्सपेक्टिव बदलते जाते हैं, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट आता है वैसे वैसे उसके मीनिंग बदलते जाते हैं। अब एक वर्ड का मैंने एक मीनिंग यहाँ लिखवाया, कल ये और किसी पर्सपेक्टिव में आएगा तो मैं इसका मीनिंग कुछ और लिखवा दूंगा आपको, तो आप ये मत कहिएगा मतलब कि फिर आपने उस दिन तो ये लिखवाया था आज ये लिखवा दिया, क्योंकि उस दिन पर्सपेक्टिव कुछ और था आज कुछ और है। अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो आप क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर खोल के देख सकते हैं, एक वर्ड के आपको सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे जितने पॉसिबल हैं, उसके बाद भी कॉन्टेक्स्ट में अब जो आज के राइटर्स हैं आज के एडिटर्स हैं वो समथिंग डिफरेंट वे में लिखते हैं कि मीनिंग आपको अपने से समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसका मीनिंग ये हो सकता है ना। तो हिंदी मीनिंग्स को आप अवॉइड करें, और मेरी सलाह भी यही है कि एक समय तक आपको हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी काम करेगी, उसके बाद आप इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी को एक तरफ रख दीजिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को पढ़िए, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो पाए, क्योंकि आपको क्लोज टेस्ट करना होता है तो इंग्लिश में हिंदी में करने पर वहां पर अच्छा नहीं होता, वहां इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में समझना, उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे जब आप, तब आपको रियल मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत बड़ा, हम इसलिए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं क्योंकि हमारी जो हमारी मदर टंग है वो हिंदी है ना, रीजन ये हो। बाकी अगर आप ये सोचो कि मतलब हिंदी में ही करने से आपकी, तो इंग्लिश हिंदी में करने, हिंदी ट्रांसलेशन से स्ट्रांग नहीं होती है, यहाँ पर समझ समझ आपकी अच्छी हो जाए इसलिए हिंदी है ना, तो आपको वर्ड के
एक्सप्लेनेशन क्या करने हैं, इंग्लिश में पढ़ना है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अपनी समझ विकसित करने के लिए आप हिंदी का सहारा लेते हैं और लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉलिंग मतलब होता है शॉकिंग, मतलब चौंका देने वाला, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरा, ठीक है। डिस्कशन जब नाउन होता है, ये यहाँ अपॉलिंग क्या है ना, एडजेक्टिव है, ठीक है। डिस्कशन जब ये नाउन होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। डिस्कस जब वर्ब होता है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट समथिंग आता है, ठीक है। एयर, एयर माने होता है प्रसारित करना, और एयर का एक मतलब होता है एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन पब्लिक, पब्लिक में अपने ओपिनियन पेश करना, अपने विचारधारा, अपने मतलब कहने का विचार प्रस्तुत करना, वो होता है आपका एयर, जब वर्ब के रूप में आता है। वैसे तो हवा होता है जब नाउन होता है, ठीक है। डिबेट माने होता है परिचर्चा ऑन समथिंग, तो डिबेट ऑन समथिंग कहें या फिर आप ये डिस्कशन ऑन समथिंग कहें, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि डिबेट और डिस्कशन लगभग, डिबेट माने परिचर्चा होता है किसी पर दोनों तरफ से बचा, और डिस्कशन में भी काफी हद तक वही चीज होती है। विंडिक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव है आपका, इसका मतलब होता है स्पाइटफुल, स्पाइटफुल मीन्स कहने का बदलापूर्ण, मतलब जो बदले की भावना के साथ काम करे, वो होता है। इनसाइडियस क्या होता है, इनसाइडियस होता है स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे फैलना, और विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना पता लगे फैल जाना, बट काजिंग सीरियस हम, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, इनसाइडियस होता है मतलब कहने का बहुत ही ज्यादा हानिकारक, ठीक है। पैट्रोनेज होता है सपोर्ट गिवन बाय योर फादर, योर एल्डर्स, मतलब कहने का आपके बड़ों के द्वारा जो आपको सपोर्ट मिलता है वो पैट्रोनेज होता है। एक्सेस टू समथिंग, किसी चीज तक पहुंच, एक्सेस जब नाउन होता है तब यह होता है, है ना, वर्ब के रूप में टू प्रीपोजिशन नहीं आता। रेशनल क्या होता है, रेशनल के प्रीपोजिशन देख लीजिए, रेशनल बिहाइंड समथिंग, फॉर समथिंग, और समथिंग, ऑफ समथिंग। रेशनल का मतलब होता है रीजन, रीजन बिहाइंड समथिंग, ठीक है, किस चीज के पीछे का कारण, तो ये रीजन मतलब रीजन इसका साइनोनिम होता है रेशनल। रेशनल आर ए टी आई ओ एन ए एल ई नहीं होता जब, तो वो रेशनल कुछ और होता है, उसका मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल होता है, लेकिन जब ई लग जाता है तो उसका मतलब रीजन होता है। दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी रेशनल की जगह रेशनल कर देगा तो आपको एरर का पार्ट बनेगा। कमिंग डाउन ऑन, कम डाउन ऑन समबडी, कम डाउन ऑन समबडी का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी सेवरली और पनिश समबडी, किसी को दंडित करना या फिर उसकी कड़ी आलोचना करना, तो कम डाउन ऑन समबडी। अब याद है ना, तमिलनाडु का गवर्नमेंट हैड कम डाउन, हैज कम डाउन ऑन पिथिया कुथिया थलीमुरई चैनल, जो है उसमें कम डाउन आया था, मतलब क्रिटिसाइज समय कड़ी आलोचना की, आप करिए चाहे उसे दंडित किया क्योंकि उस पर FIR दर्ज करवा दिया ना, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के फिर बेनिफिट मिलने वाला है इससे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।